Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one of the important topic for all the candidate who are going to give the examination for the post of junior assistant accounts in ONGC. Okay, तो आप लोगों का examination आने वाला है, so I hope so कि आप preparation अच्छा से कर रहे हो. तो आप लोगों के लिए मैंने आज एक special से video लाया है. इसमें हम आज discuss करने वाले हैं contract act का MCQ. Okay. कॉन्ट्रैक्टर के बात किया जाए तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. ओके, सो आई विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो. आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा. ओके, वीडियो का स्टार्ट में ही आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल पे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट ONGC से रिलेटेड प्रिपरेशन का एवरीथिंग मिलते रहेगा. ओके, एक काम करिए, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा. आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको मेरे क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहता है. ओके, चलिए डिस्कस करने वाले कॉन्ट्रैक्टर का एमसीक्यू. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है कि द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, मतलब जो पर्सन प्रपोजल दे रहा है उसको क्या बोला जाता है. द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल उसको बोला जाता है प्रोमाइसर. ओके, उसके ओके उसको बोला जाता है प्रोमाइसर. द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमाइसर. ओके, एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमाइसी. ओके, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी. ओके, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोमाइसर, प्रोमाइसी. जो पर्सन प्रपोजल देता है वो होता है प्रोमाइसर और जो पर्सन प्रपोजल एक्सेप्ट करता है उसको बोला जाता है प्रोमाइसी. ओके, तो क्वेश्चन नंबर वन का हो जाएगा ऑप्शन सी. ओके, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू एमसीक्यू फॉर योर ONGC जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स. टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एमसीक्यू, हम लोग डिस्कस करने वाले. ठीक है, सेकंड नंबर एमसीक्यू है, देखिए क्या बोलता है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड. ओके, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एज, इसको बोला जाता है एग्रीमेंट. ओके, एग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या बोलता है कि इसका डेफिनेशन ये है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एज एन एग्रीमेंट. ओके, एन एग्रीमेंट. क्वेश्चन नंबर टू का हो जाएगा ऑप्शन डी, एंड एग्रीमेंट. ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए क्या बोलता है कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ. कोई भी एग्रीमेंट है उसको इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट. ओके, कॉन्ट्रैक्ट. क्वेश्चन नंबर थ्री ऑप्शन सी, कॉन्ट्रैक्ट. जैसे कि आपको पता होगा कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस होता है. जैसे देखिए, एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है, जैसे कि एग्रीमेंट के बारे में यहाँ पे एमसीक्यू दिया हुआ है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, तो वो एक एग्रीमेंट हुआ. ओके, तो वही अगर इन्फोर्सिबिलिटी वाई लॉ अगर उसमें ऐड हो जाता तो वो हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट. ओके, तो ये फिर यही फिर एक और क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं बनाया कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट. ओके ओके, बता दू कि मैंने आप लोगों के लिए ना काफी यूजफुल फॉर योर प्रिपरेशन जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए मैंने एमसीक्यू तैयार किया है. ये बस आप लोगों के लिए ओवरव्यू, मतलब आप लोगों के लिए बस लेकर आया कि आपको बस बताऊं कि हाँ मेरा जो एमसीक्यू है कैसा है, क्योंकि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर जस्ट आस्किंग टू मी कि आप अपना एमसीक्यू दिखाओ कि आपका एमसीक्यू जो आप बनाए हो कैसा है. ओके, सो फॉर दैट पर्पस टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एमसीक्यू, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो एमसीक्यू है. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द एमसीक्यू सो दैट कि यू ऑल आर अवेयर दैट कि हम लोग का जो एमसीक्यू बनाया हुआ है आपको एग्जामिनेशन के लिए वो काफी ज्यादा यूजफुल आपके एग्जामिनेशन में होने वाला है. ओके, जैसे देख रहे हो आप कॉन्ट्रैक्टर का एमसीक्यू हम लोग कितना अच्छा से और सिलेबस के थ्रू बनाया हुआ है और कॉन्ट्रैक्टर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है. ओके, तो हम लोग आप लोग के लिए जो एमसीक्यू बनाया है वो एमसीक्यू आप परचेस कर सकते हो मात्र 500 रुपीज में. ओके, वो एमसीक्यू परचेस कर सकते हो मात्र 500 रुपीज में. ओके, ये आपका एग्जामिनेशन जो कंपनी में होने वाला है वो कंपनी का नाम है ONGC. जो भी बीकॉम वाले थे फॉर्म भरे होंगे तो आप लोग का एग्जामिनेशन कुछ ही दिनों में होने वाला है. ओके, कंटेंट का बात किया जाए तो सॉफ्ट कॉपी आपको मिलेगा ऑफ ऑल द सब्जेक्ट जो भी आपको फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंस एंड अकाउंट से जो भी रिलेटेड आपका सिलेबस है, आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दैट एमसीक्यू. ओके, टोटल एमसीक्यू 2000+ एमसीक्यू रहेगा, 200+ रहेगा. कवरेज का बात किया जाए तो प्रीवियस ऑल टाइप ऑफ आस्क क्वेश्चंस जितना भी पीएससी और गवर्नमेंट एग्जामिनेशन पूछा गया वो सारा उसमें कवरेज रहेगा. और जहां पे भी मुझे रिकॉर्ड लगा कि एक्सप्लेनेशन देना चाहिए वहां पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है. लेक्चर ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको पीडीएफ मिलेगा, वो पीडीएफ आपको पढ़ना है. ठीक है,
लैंग्वेज इंग्लिश में रहेगा, ओके। डाउट सॉल्विंग डाउट इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन मेल ऑन हिमांशु रंजन क्लासेस एट द रेट जी मेल डॉट कॉम, और व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है 9631474430 पे, ओके। क्वेश्चन बैंक का फी का बात किया जाए तो ये आपको बस ये जो एमसीक्यू है, ए एमसीक्यू आप बस परचेस कर सकते हो मात्र 500 रुपीज में, ओके। मात्र 500 रुपीज में ए एमसीक्यू परचेस कर सकते हो। कैसे परचेस कर सकते हो एवरीथिंग आई विल डिस्कस नाउ। जैसे देखिए अब जब पेमेंट करोगे 500 रुपीज, तो जब वो पेमेंट करोगे 500 तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप हिमांशु रंजन क्लासेस एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर भेज देना, और व्हाट्सएप नंबर 9631474430 पे भेज देना, ओके। उसके बाद हम लोग के पास पेमेंट रिसीव हो जाएगा, हम लोग आपको कंफर्म कर देंगे कि हम लोग का पेमेंट आ गया। उसके बाद आपको क्वेश्चन जो है एमसीक्यू वो आपको मिल जाएगा, वो आपको एमसीक्यू आपके मेल पे मिल जाएगा, ओके। आपको पेमेंट कैसे करना है, आपको पेमेंट करना है, देखिए यहाँ पे यूपीआई आईडी दिया हुआ है, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, आपको जो भी इजी लगे, आप जो भी यूज करते हो उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे यूपीआई आईडी दिया हुआ d.k.r6291@dbs पे पेमेंट कर सकते हो, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे भी दिया हुआ है, उसका नंबर दिया हुआ है 6291125182, ओके। आपको जो भी इजी मोड लगे उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, ओके। सो ये रहा, ओके, नोट नो अमाउंट रिफंडेड, ओके। तो ये जो एमसीक्यू है इसमें आपको 2000 प्लस एमसीक्यू मिलने वाला है, और वन लाइनर क्वेश्चन 200 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, ओके। और ये जो ONGC का जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स का बात किया जाए एग्जामिनेशन का, तो आपको विथ इन वन मंथ इसका एग्जामिनेशन हो जाएगा, तो प्रिपरेशन बहुत अच्छा से करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ही कम समय बचा है, और मैं जो एमसीक्यू बनाया हूँ वो काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आई हैव कवर्ड एवरीथिंग दैट आर मेंशन योर सिलेबस, जैसे कि आपका उसमें इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट है, उसमें जितना भी है उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस है, उसमें आपका स्टैट से रिलेटेड क्वेश्चंस है। सो आई हैव सीन द सिलेबस एंड फॉर आप सिलेबस को देख करके मैंने जो एमसीक्यू वो तैयार किया है, ओके। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो एमसीक्यू बनाया हुआ है वो आप देख रहे हो कि कैसा है, कितना बेहतर है, और आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इसी तरह का देखने को मिलेगा, ओके। तो आपको प्रिपरेशन अगर अच्छा करना है तो वो एमसीक्यू परचेस कर सकते हो, ओके 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 ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग कहाँ तक डिस्कस किए थे, हम लोग डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 3 तक, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स, देखिए कोई भी एग्रीमेंट होता है इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो जाता है, कोई भी एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो जाता है, पर सामने वाला पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे या ना करे, ओके। तो उसको बोला जाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन बी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक्सटेंड्स टू, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 कहाँ कहाँ एक्सटेंड है, मतलब कहाँ कहाँ लागू है, तो वो है पूरा भारत में, ओके। तो पूरा इंडिया में लागू है, तो द होल ऑफ इंडिया, द होल ऑफ इंडिया, तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन डी द होल ऑफ इंडिया, ओके। अगर आपको फास्ट लगता है वीडियो तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। अगर फास्ट लगे तो उसको रिमाइंड करके भी देख सकते हो, जितना बार रिमाइंड करो उतना बार आपको देख सकते हो, ओके। सो मैं ट्राई करता हूँ वीडियो को जितना हो सकता है फास्ट बनाऊँ, ताकि कुछ लोग होते हैं फास्ट देखते हैं, कुछ लोग अगर स्लो देखते हो तो आप पीछे जाकर के देख सकते हो, ओके, जैसे आपको मर्जी, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, कोई भी एग्रीमेंट होता है वो अगर इन्फोर्सिबल नहीं होता है लॉ का, लॉ से अगर इन्फोर्सिबल नहीं है कोई भी एग्रीमेंट, लॉ से इन्फोर्सिबल नहीं है उसको क्या बोला जाता है, वो वॉइड हो जाता है, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन बी वॉइड, ओके। इसे देख रहे हो कितना अच्छा एमसीक्यू बनाया हुआ है, ऐसा ही एमसीक्यू आपका एग्जामिनेशन में आने वाला है, ऐसा ही एमसीक्यू आपका एग्जामिनेशन में आता है, ओके। तो आप मेरा एमसीक्यू परचेस करो, उसमें इसी तरह का एमसीक्यू उसमें मैंने प्रिपेयर किया है, वो एमसीक्यू आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ये तो बस एक झलक है, एक झलक जिसको बोलते हैं ना ट्रेलर, एक झलक है कि बस आपको मैं बता रहा हूँ कि इस तरह का एमसीक्यू आपको मिलने वाला है, वो आप परचेस करोगे आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, कि व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ ए प्रपोजल इज कंप्लीट, कब एक प्रपोजल कंप्लीट माना जाता है, कब एक कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट माना जाता है, ओके। तो जब सामने वाला पार्टी को जानकारी मिल जाता है तब वो कंप्लीट माना जाता है, ओके। प्रपोजल मतलब ऑफर, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड, ओके। तो व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड, जब सामने वाला पर्सन को नॉलेज हो जाता है कि वो सामने वाला पर्सन क्या बोलना चाह रहा है, तो उसको अगर कंप्लीट नॉलेज हो जाता है, ओके, तो वो जो प्रपोजल होता है वो कंप्लीट माना जाता है, ओके। तो व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड, तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ओके। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 8 का डी, ओके। तो
अगर आपको एमसीक्यू परचेस करना है तो वो आप एमसीक्यू परचेस कर सकते हो। देखिए मैं नीचे एक बार फिर से बता दूं कि ये एमसीक्यू में आपको 2000 प्लस एमसीक्यू मिलने वाला है और 200 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस मिलने वाला है, ओके। और मात्र 500 रुपीस आपको पेमेंट करना है, मात्र 500 रुपीस, ओके। तो आपको बस 500 में अगर आप प्रिपरेशन कर पा रहे हो जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स का, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। अभी के डेट में 500 रुपीस कुछ भी नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आप इससे इतना नॉमिनल सा अमाउंट भी पेमेंट नहीं करोगे तो क्या मतलब आप कैसे प्रिपरेशन करोगे। बट मैं बता दूं, अगर आप ये प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जाम, अगर आपको प्रिपरेशन बेहतर करना है तो आपके लिए एमसीक्यू काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप वो एमसीक्यू परचेस करिए, उसके बाद उसे पढ़िए, आपको डेफिनेटली आपको खुद पे जो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होगा, ओके। तो वो एमसीक्यू परचेस कर सकते हो, आई हैव ऑलरेडी टेल एवरीथिंग, और आपको मैं एमसीक्यू भी बता दिया कि हाँ कैसा किस तरह का एमसीक्यू है, ओके। बस एक झलक था कॉन्ट्रैक्टेड एमसीक्यू का कि ये इस तरह का एमसीक्यू है, तो बस एक झलक है, उसमें तो काफी कुछ आपको उसमें देखने को मिलेगा, ओके। तो आई हैव कवर्ड एवरी टॉपिक्स रिलेटेड टू योर सिलेबस इन दैट एमसीक्यू, ओके। सो आई वीडियो यहां तक रखते, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।